रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। आज हम आपको दीवारों पे चूना कैसे करते हैं, चूना कैसे बनाते हैं, सब आपको दिखाएंगे। उधर सामने बाहर पड़ा हुआ है चूना, इधर वो ढाबड़े के अंदर पड़ा हुआ है। ये सामने चूना है, इसको तकरीबन 2 घंटे भगोड़े पानी में। 2 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से हल कर लें। जब ये सारा चूना इसमें हल हो जाएगा, फिर आप इसको जिस बर्तन में डालना है वो बर्तन ले लें, और जितना आपको चाहिए इस्तेमाल करने के लिए वो आप इस बर्तन में डाल लें। ये हम डाल रहे हैं छोटे बर्तन में, जिसमें हमने बुरश इस्तेमाल करना है। अब दीवारों पे कैसे चूना लगाते हैं वो भी हम आपको सामने बताएंगे, आपको कि कैसे दीवारों पे चूना इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने दीवारें हैं, इसको ऐसे बस आस्ता आस्ता दीवारों पे लगाते जाए। जब जब ये खुश्क होगा इसका निखार ज्यादा आता जाएगा। पहले तो लगता है ऐसे ही, ये जैसे दीवार पे कुछ लगा ही नहीं, लेकिन जब ये खुश्क होगा फिर चमकने लगेगा दूध की तरह वाइट। यह तरीका होता है दीवारों पे चूना लगाने का। ऐसे चूना मारते हैं दीवारों पे, इसके तकरीबन 2 कोट होने चाहिए दीवार पे, फिर जाके दीवार बनती है। इसमें चाहे आप वाइट रख लें, चाहे इसमें कोई रंग डाल लें, फिर भी अच्छा है। वाइट लगाना हो वाइट भी ठीक होता है। देखा कितना साफ नजर आ रहा है। अभी और जब खुश्क हो जाएगा फिर और साफ होगा। आजकल तो सर्दी है ना, सर्दी में तो जल्दी खुश्क नहीं होगा, गर्मी हो गर्मी में जल्दी खुश्क हो जाता है। ये दीवारें बिल्कुल साफ कर देता है, क्योंकि इसका काम ही है सफाई। लीजिए जी, एक दीवार हमारी तकरीबन आधी जो है वो मुकम्मल हो गई है। खुश्क होती जाती है दीवार, गर्मी होती है ना भाई, गर्मी च हर चीज खुश्क होती है, सर्दियों च नहीं खुश्क होती। सर्दियों का बड़ा मसला है। ऐसे हम डब्बे से दूर हो गए, ऐसी इस वास्ते डब्बा अपने हाथ में फाड़ लिया ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। खत्म करके भाई सोना भी है ना, टाइम काफी हो गया अज बार। सर्दियों टाइम तो बहुत लगता ना, ऐसे लगता जैसे अद्धी रात हो गई है। सुबह मैं देखना कि किन्ने के लाइक मैनू आए ने, किन्ने के लोगों ने काम पसंद किया। सब सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, तुसी भी खुश ते असी भी खुश। सुन रहे हो ना, किरे जाना नहीं, ये वेखना है चूना। भाजी दीवारां वाला चूना है, दीवारां वाला चूना तुहानू नहीं चूना लगता, कंधा नू चूना लगता है। लो जी हुण काम साडा जिहड़ा ना अद्धी दीवार दा मुकम्मल हो गया।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਨਸੋ 'ਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਜਾਮੂ ਕਲਰ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੀਵਾਰ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਗਾਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਕੰਮ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਭਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਡੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਘੰਟੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।